हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स फ्रेंड्स एंड फैमिली व्यूअर्स चैनल जोके कबूतर परवरी के सेगमेंट फैंसी फ्राइडे के अंदर आपको वेलकम करता हूं और आज लेकर आया हूं एक जरदखा कबूतर। ये कबूतर का शौक करवाने से पहले एक इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है वो आपको बताऊंगा। उस पर मामूल हमारे पाकिस्तान के और खास तौर पर लाहौर के टूर्नामेंट्स के अंदर ये जरदखे कबूतर बैन कर दिए। लाहौर के अंदर बैन नहीं थे, पहले ये उड़ते थे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते थे। वजह ये है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि जो नीवी वाले कबूतर होते हैं, नीचे जो नीचे उड़ान करते हैं वो वाले कबूतर, छत्ती वाले जिनको उर्फ आम में कहा जाता है और पंजाबी लैंग्वेज में नीवी वाले कहा जाता है, उनमें ज़्यादातर ये पीलखे कबूतर पाए जाते हैं। लेकिन लाहौर के चंद कबूतरबाजों ने क्या किया कि वो नीचे उड़ान वाले कबूतर, नीवी वाले कबूतर, इनमें क्रॉस करके इनको टूर्नामेंट्स में और कप्स में उड़ाना शुरू कर दिया। उसका नतीजा क्या निकला कि अनफेयर गेम हो गई। जिन्होंने ये जरदखे कबूतर नहीं डाले हुए थे उनके कबूतर जाकर बंद हो जाते थे या वो जल्दी वापस घर आ जाते थे। ये नीवी वाले डालने की वजह से ये हुआ कि वो बंद कम होते थे लेकिन उड़ते ज़्यादा थे और नंगे उड़ते रहते थे, जिसकी वजह से टाइम के अंदर जो उनसे वो इजाफा हो जाता था। तो नंगे उड़ने से मुराद कपड़े उतार के नहीं उड़ते थे, नंगे उड़ने से मुराद है यानी कि नज़र आते रहते थे और उड़ते थे, लंबा उड़ते थे, जो कि गेम टेम्परिंग होगी कि मामूल के साथ होना शुरू हो गया काम, तो लिहाजा इन कबूतरों को बैन करना पड़ा। तो ये वजह है। लेकिन वो बैन करने का नतीजा क्या हुआ कि मौजूदा दौर के अंदर हमारे लॉफ्ट्स के अंदर ये कबूतरों की तादाद बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, ये जो ऊंची उड़ने वाले हैं जरदखे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, ये बहुत ज्यादा अच्छा उड़ते थे, प्रवास के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे थे, अपने घर पे वापसी के बहुत पक्के थे ये कबूतर। तो क्या हुआ कि अगर हम इनको बाजियों में नहीं उड़ा सकते, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इनसे प्यार करना छोड़ दें। तो ये है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है कदीमी नस्लों को मेंटेन करने का, मैंने आपको पहले भी बताया हो। तो रिसेंटली एक दोस्त से मैंने ये कबूतर मंगवाया, पट्ठा, बड़े ताल्लुक लड़ाकर। तो ये पट्ठा आया और इंशाल्लाह ताला अब इसको कुछ ना कुछ करेंगे। मैं आपको बताऊँ, जो रेयर आई के साइंस होते हैं, जो रेयर आई कलर्स होते हैं, जिस तरह के ग्रीन आइज कबूतर होते हैं, वो बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, उनके अंदर इन कबूतरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उन कबूतरों की मेकिंग के अंदर ये कबूतर इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा इन कबूतरों को फरामोश नहीं किया जा सकता, इनकी एक अपनी पहचान है अलग, और गुज़िश्ता ज़मानों के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी करते रहे ये कबूतर। बहरहाल मसला ये है कि इनको रखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, तो रखा जाना चाहिए, इनसे प्यार किया जाना चाहिए। मार्केट वैल्यू इनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है, कोई इनको पूछता नहीं है, दड़बी के अंदर अक्सर रुले होते हैं ये कबूतर। लेकिन फिर वही बात आ गई, कबूतर जर्द रखा हो या सफ़ेद रखा हो या नील रखा हो, बात ये है कि कबूतर नस्ली होना चाहिए, कबूतर के अंदर कुछ किरदार होना चाहिए, कबूतर का अपना एक किरदार होना चाहिए, कबूतर का बच्चा होना चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा ये कबूतर का बच्चा है, वो पॉइंट से पता चलेगा, उसकी परफॉर्मेंस से, पहले पॉइंट्स फिर परफॉर्मेंस। तो अभी ये जो कबूतर है, पहले इसके आपको पॉइंट्स दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला कभी उड़ाएंगे तो फिर इसकी परफॉर्मेंस भी आपको बताएंगे। आ जाए करीब ले व्यूवर्स, ये इसका आई साइन है, काफ़ी ग्रीनिश सा शेड आ रहा है इसकी आंख के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि ये ग्रीन आइज के कबूतर निकालेगा आगे। अलग काफ़ी अच्छी है, खुश्क चौंच है, जौन सिरा सा वैसे ये कबूतर है, अभी बिल्कुल पट्ठा आया है, इसके परों का आपको शो करवाते हैं। ले व्यूवर्स, ये इसका पर खुंदा है, अभी आठवीं कली ये निकाल रहा है, ठीक है, बगल काफी अच्छी है, गोल बड़ा कबूतर है, जिसामत भी इसकी गोल ही है, ये यहां से देख लें आप इसका पर कुंदा, ये देखें आठवीं निकाल रहा है, नौवीं दसवीं भी इसने झाड़नी। ये इसका स्प्रिंग बहुत अच्छा है, मतलब खिंचाव पर का बहुत ज्यादा अच्छा है, ये एक्टिव कबूतरों की निशानी होती है, परों का चढ़ाव देख लें। उसके बाद सबसे अच्छी बात, इसकी दुम का बैलेंस देखें आप, माशाल्लाह इस दुम के पीलखे कबूतर बहुत शाजो नाजर ही नज़र आते, बहुत ही उम्दा दुम का इसका बैलेंस है। ये देखें मैंने अपने बिल्कुल हटाए हुए हाथ। फिर इसका एक और पॉइंट जो मुझे पसंद आया बहुत ज़्यादा, इसकी बैक पर ही देख लिया आपने, वाइट है शायद, दुमाया ना हो, लेकिन ये है इसकी बैक पर ही, ये लंगोट इसका बड़ा मजबूत है। फिर इसके पंजे बहुत खुश्क हैं, ये देखें आप, अभी बच्चा है, मजीद खुश्क करेगा, उतने खुश्क नहीं है जितने होने चाहिए, और जामुनी भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल पिंक भी नहीं है। नाखून बड़े अच्छे हैं इसके, एक कलर के नाखून है, ये प्योरिटी की निशानी होती है, मतलब इसके अंदर क्रॉसेस कम है, एक कलर के नाखून है,
उसी कलर की इसकी पलक है, उसी कलर की इसकी चोंच है। सो दिस वॉज इट व्यूवर्स, आई होप आपको आज का शौक पसंद आया होगा। इसको इंशाल्लाह ताला मैं क्रॉस करूंगा, फॉर माई ओन एक्सपीरियंस पर्पसेस मैंने इसको मंगवाया है। मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब मुख्तलिफ तजुर्बात के बाद क्या नतीजा निकलता है। तो ज़िंदगी भी इसी तरह है, आपको मुख्तलिफ तजर्बे करते रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, और इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी एक अच्छा रिजल्ट जो है वो ज़रूर मिलेगा। फिर एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।